हाँ यहाँ पे रख दीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं रखवा रहा हूँ ताकि ये घुस मत जाए इसी चक्कर में अभी तो फिलहाल। कल एक भैया कमेंट किए थे कि गुरुजी क्या क्या काम करोगे, टीचर ही बनोगे और सब काम करोगे। योगेश कल तो नहीं था ना, सुन तो एक तो कमेंट आया था, गुरुजी मोमबत्ती भी बना रहे हैं ना, गुरुजी साया ब्लाउज भी सिल लेते हैं का। और दोस्तों क्या हाल चाल, सब मस्त है? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, आपका एक और नए ब्लॉग पे स्वागत है। अभी सुबह के बोलने वाला था, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। अभी नहा धोवा के रेडी हुआ हूँ, पानीपुरी चौकीदार से गिन दिया उसको, अभी वही सामान उमर जाते हैं, कल दुकान लगाऊंगा, पानीपुरी फिर से बनाऊंगा, अभी आटा लेता हूँ वही। अब बोरी लाके कोई फायदा नहीं है, लेकिन आलू खत्म हो गया, आलू का पूरा ना बोरी लाना पड़ेगा, तो अभी खुला खुला सामान लेता हूँ जाके और खाना वही दीदी के यहाँ खा लूँगा तो सही रहेगा। छत के ऊपर जो सुबह पानी डाला था ना, वही सुबह ही डाला था। और आज देखो हम लोग के मोहल्ले में भाभी बाहर नहीं निकलेंगे का? आपके पड़ोसी सब चले गए तो बाहर नहीं निकलेंगे? अच्छा नहीं लग रहा है सुबह से भाभी को, अच्छा नहीं लग रहा है? वही मैं बोला इस टाइम तक ना शशि, अनिल की वाइफ सुमन और ये भाभी तीनों लोग ना यहाँ पे टहलते रहते थे, अपने अपने बच्चों को घुमाते थे। सूरज का नया मोबाइल आ गया है, देखो दिखा, आज लेने गया था मैं दोपहर में, तो उसका ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, मतलब ऐसे ही ये पड़ा है। कौन सा है? रियलमी नार्जो N65 ये पड़ा है अपन को 11,000 रुपये का, ऑनलाइन 12,000 दिखा रहा था, तो ठीक ही रेट पड़ा है। इसका गाड़ी की चाबी यार अंदर रह गया, ले जाता हूँ गाड़ी की चाबी, ताला लगा देता हूँ घर में। सुबह वही आलू गोभी की सब्जी छोड़ के गए थे, पूरी छोड़ के गए थे और रोटी छोड़ के गए थे और थोड़ी सी ना पकौड़ी भी छोड़ के गए थे, सबको खा लिया हूँ, ख़त्म कर दिया। और आज कुछ काम किया नहीं है तो खाना पचा भी नहीं है अच्छे से, थोड़ा सा उसमें तेल चढ़ जाने दे। तभी मैं टटिया को हटा रहा था, आलू ले आया हूँ, अब आलू के अंदर रख दूँ, अभी बाजार जाना है, किराना सामान भी लाना है, किराना सामान लाना है यार, अचानक से बोल गया था मैं तो। अभी ये सामान तो ले लिया हूँ, जो रोज़ वाला सामान होता है वो, और 3 पैकेट तेल ले लिया हूँ, अभी पानीपुरी का आटा लेने जा रहा हूँ उसको भी लेता हूँ लगी लाग। तो शाम को ना मैं पानीपुरी तो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने पानीपुरी में दोबारा गिना ना, और जो कार्टून वाली पानीपुरी थी एक्स्ट्रा पानीपुरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं बोला नहीं बनाता हूँ। अभी आ गया हूँ यहाँ ऑटो लेके, गुरुजी और योगेश और भैया लोग लगे हुए हैं, अभी उठा उठा के मैं रख दे रहा हूँ, इधर रख दूँ इसको कि नहीं रखूँ? भाई साहब वजन ये देखो 25 किलो का एक बोरी है, मैं आपको गिनवाता हूँ, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 7 क्विंटल, 8 क्विंटल, 9 क्विंटल, 9 क्विंटल हो गया भाई साहब, 9 क्विंटल वजन हो गया, नहीं 9 क्विंटल नहीं हुआ है, अभी 4 क्विंटल हुआ है, 4 क्विंटल मतलब 8 बोरा हो गया आलू की, जो 8 बोरा होता है ना वो आलू के हिसाब से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊंगा ना, 1 बोरा में 50 किलो होता है उस हिसाब से। हाँ यहाँ पर रख दीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं रखवा रहा हूँ ताकि ये घुस मत जाए इसी चक्कर में अभी तो फिलहाल, इस तरह वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पीछे कम ही रहेगा, लेकिन ऑटो के हिसाब से बहुत है, ऑटो के हिसाब से वजन बहुत हो गया है ना। इसको रख दीजिएगा वहाँ पे, इस जगह खाली जगह पे, इतना हो गया। स्टील है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोहा हो रहता है ना पतला उतला तो निकल जाता भाई अभी तक। अंशु और कितना है? 4-5 बोरी और है बस ना, इसको यहाँ पर रख देना। तो क्या सर, गुरु जी अभी बोरी उठा रहे हैं, कल एक भैया कमेंट किए थे कि गुरु जी क्या काम करोगे, टीचर ही बनोगे और सब काम करोगे। योगेश कल तो नहीं था ना, सुन तो एक तो कमेंट आया था, गुरु जी मोमबत्ती भी बना रहे हैं ना, गुरु जी साया ब्लाउज भी सिल लेते हैं का। कमेंट आया था योगेश सही में, मेजरमेंट बोलते रहे लेने आएंगे, आ जाऊंगा ना। कौन सा भैया? ए बिट्टू उठाओ जल्दी, आ जाके सोऊंगा मैं यार, जलते हैं लोग जलते नहीं, करिए सब फुल्की पे सोऊंगा आपसे मैं, नहीं नहीं वो तेरा काम है, ऐसा आ उठाओ, ऐसा भी दिन देखने पड़ता, अरे वाई ओ लग जाएगा भैया मेरे में कलर, हां हाथ से उठाना है, हाथ से उठाना, कपड़ा से नहीं वो हो जाएगा ना, तो फिर हां कल से चल चल वो हो जाएगा। तो वो काम तो रात को हो गया था, अभी सुबह से आधा घंटा से पहले उठ गया था, मतलब 5:30 बजे है, 5 बजे उठ गया था, पानी नहीं पिया, गर्म करके जा रहा हूँ भट्टी लगाने, अकेला हूँ ना तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, आलू उबालना, छिलना, मटर उबालना, पानी पूरी तो नहीं बनाया रात को तो अलग बात है, अभी मतलब देखना ना कैसे करता हूँ फटाफट। जब आदमी अकेला होता है ना तो उसके ऊपर बीतता भी है, ठीक है मैं बताना चाहूँ कुछ, और जब सब लोग रहते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे हो गया ना, कर देंगे, हो गया कर देंगे, हो गया कर देंगे, तो अकेले में जैसे कुछ लोग सोचते हैं पहले, मतलब कोई रहता है तो किसी का सपोर्ट रहता है, नहीं रहता तो खुद ही करना पड़ता है, तो आदमी ये सोचता है कि खुद ही करके फटाफट फ्री हो जाओ,
तो सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। भट्टी लगा दिया हूँ लेकिन ना कोयला कम ही डाला हूँ भाई, अब आग ना उसमें कमी रहेगी, धीरे धीरे आलू होंगे। अब उसके बाद ना इसमें एक बोरा डाल देते हैं, बोरा इसलिए डालते हैं तब इसका जो ऊपर का भाप है ना वो निकले जाए। कुकर तो है नहीं भाई, ये एक बड़ा कुकर भी आता है बहुत बड़ा, पता नहीं कितने लीटर, 20 लीटर 15 लीटर का, वो सब में रखते हैं यार। अरे चेतक को साफ़ करके, कल रंगोली लाए थे ना, देखो रंगोली थोड़ा मोड़ा गिरा इसमें हल्का फुल्का, ये क्या ही काम आएगा। अब इसको निकाल के बाहर डाल देता हूँ, थोड़ा सा गीला कपड़ा करके मार देता हूँ इसमें। अभी उधर का काम तो कर दिया हूँ, अभी ना प्याज छील लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं छीलूँगा, 2 किलो प्याज लाया था वैसे ना, जब मेरे पापा लोग की दुकान लगती थी तो 4 किलो लाया करता था, अभी 2 ही किलो लाया हूँ तो छील लूँगा हल्का फुल्का, मतलब 1.5 किलो के आसपास छील लूँगा, 1/2 किलो बचा दूँगा। धनिया पत्ती अभी रेट ठीक हो गया है, ये देखो 10 रुपये धनिया पत्ती है, पहले इतनी धनिया पत्ती 30-30, 40-40 रुपये की आती थी। मिर्ची भी लाया हूँ, मिर्ची तोड़ के रख देता हूँ इकट्ठा, 1/2 किलो मिर्ची लाया हूँ, ये चलेगा मेरा 2 दिन, पहले 1/2 किलो मिर्ची चलती थी एक ही दिन, लाल मिर्ची लाया हूँ शायद, टमाटर बाकी सामान तो सभी लाया हूँ। अब प्याज को पूरा छील दूँ, पूरा छील दूँगा तो ख़राब तो नहीं होगा क्योंकि भाई सर्दी है, तो देखते हैं पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी घर में पूरा काम कर दिया था मैं, अभी ऑमलेट बना रहा हूँ, गुरु जी को दे दिया हूँ 2 अंडे का ऑमलेट बना के मैं ही बना लेता हूँ और सूरज के लिए बना लेता हूँ और फिर काम करता हूँ भाई। आलू तो निकाल के, आलू निकाल के ना मटर चढ़ा दिया हूँ अभी, मस्त खाना बनवा दिया ना सर घर में। कल रात गुरु जी फ़ोन किए खाना खाने के लिए, रिंकू भैया फोन किए तो मैं दीदी के यहाँ चला गया था, तो अभी सुबह फिर फ़ोन किए तो मैं बनवा देना 2-3 रोटी। अब बोलते हैं 2 रोटी में तेरा क्या होगा, 5 रोटी बनवाए हो, ठीक है। तभी इसमें पानी नहीं डाला हूँ, सिर्फ 1 पैकेट काला नमक डाला हूँ, कटोरी वगैरह में भर देता हूँ फटाफट। ऑमलेट तो खा लिए हैं, छोटा मोटा नाश्ता हो गया, तीनों खा लिए, मैं गुरुजी सूरज भी खा लिए। अभी कांटे रखना, उठा के रखना है अभी यहाँ पे। तो दोस्तों मस्त पेस्ट बना दिया हूँ हरा वाला, अभी ना हरा ही मिर्ची पिसा हूँ, लाल वाला जो चाट में डालता हूँ ना वो नहीं पिसा हूँ, इसमें वही अदरक लहसुन हरी मिर्ची धनिया पत्ती बस यही सारा कुछ है और कुछ तो है नहीं। रमेश भैया तो आ गए हैं पानी पूरी लेने के लिए, दे दिया हूँ मैं, हल्का सीला हुआ है, अब कल बनाया नहीं था तो यही थोड़ा सा धूप में रख दीजिएगा ना। चलिए ठीक, आदमी सूख जाता है धूप में तो फुल्की है। मैं तो एक कार्टून जो बना रखा था हमने लिए उसको मैं रख दिया हूँ, ये रहा तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अभी जाता हूँ छत के ऊपर पानी डाल देता हूँ, वो भी काम जरूरी है। मटर हो गया, सब हो गया है, हो गया पानी डाल दिया ऊपर में, अब पानी चूल्हे में लगेगा धीरे से, और अब मैं नहा लेता हूँ। सब सामान हो गया है, तेल प्याज टमाटर पानी पूरी का पानी सब रेडी कर दिया हूँ पूरा कंप्लीट, जा रहा हूँ दुकान लेके, सब सामान रेडी हो गया है, अभी अकेले ही करना पड़ता है। और ये जो गंज वगैरह है ना मटर का और आलू का, ये सब शाम को आके धोऊंगा तो साफ सफाई करूँगा यहीं पे आके, कुछ नहीं 1200-1500 की सेलिंग कर लूँ ना, उतना बहुत है मेरे लिए। तो चलिए दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही पानी पूरी बेचते हुए वीडियोस और कभी कभी घुमाई फिराई तो पसंद करते हो नहीं आप लोग, इसीलिए पानी पूरी बेचता हूँ मैं, ठीक है, बाय बाय।